महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरकर टूटने के मामले में संजय राउत ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इसके जिम्मेदारी पीएम नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे की है। अजीत पवार भी इसके जिम्मेदार है। इस मामले में ठेकेदार और मूर्तिकार के खिलाफ एक्शन हो रहा है, लेकिन इसको काम किसने दिया था? आज महाराष्ट्र दुखी है। उनके सीने पर बहुत बड़ा वार किया गया है। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा टुकड़े टुकड़े में टूट गई है, उससे सभी को बहुत दुख पहुंचा है। ऐसा अपमान तो महाराज शिवाजी का मुगलों ने भी नहीं किया था। संजय राउत ने कहा कि समुद्र किनारे रघुनाथ फड़के का बनाया लोकमान तिलक की प्रतिमा लगी हुई है। आज उससे 90 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ बहुत तेज हवा भी चलती है। पंडित नेहरू ने शिवाजी महाराज की जिस प्रतिमा का अनावरण किया था, वह भी आज तक अडिग है। इस मामले में मैं सीएम का इस्तीफा मांगता हूँ। साथ ही इस मामले पे पीडब्ल्यूडी मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा लगता है कि अपने लोगों को ठेके दिए गए हैं और उन्होंने पैसा बना लिया है। आखिर यह कैसी सरकार है जो महाराज शिवाजी तक के पुतले में करप्शन कर लेती है। इस मामले में सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से तेज हवा चलने के तर्ज पर भी संजय राउत ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हवा तो सीएम एकनाथ शिंदे के दिमाग में घुस गई है, इसलिए वह जमीन से ऊपर उड़ रहे हैं। एक तरफ आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन शिवाजी तो विश्व पुरुष हैं। सिंधुदुर्ग किले में पीएम नरेंद्र मोदी आए थे और इंडियन नेवी का यह कार्यक्रम हुआ था। ये लोग बहुत जल्दबाजी में थे। कई लोगों ने इन लोगों को समझाया भी था। इससे सामने आया कि सारे ठेकेदार सीएम के थे। यह महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात है। हमने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। महाराष्ट्र में हवा बहुत जोर से चलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1933 में गिरगांव चौपाटी में लोकमान तिलक की प्रतिमा बनी थी, लेकिन आज भी वह मजबूती से खड़ी है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई और प्रतिमा ऐसे भ्रष्टाचार से नहीं बनाई गई थी। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।